नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज फिर से एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। तो आज हम वीडियो देखेंगे 1201 और 1601 एम्पलीफायर के बारे में। बेस्ट बेस रिजल्ट के लिए इसका बैक पैनल का सेटिंग हम कैसे लगाएं, और इसके बारे में हम डिस्कस करते हुए सारे बटन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी बटन स्किप किया नहीं जाएगा, तो आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक नंबर पर बटन है लिमिटर, यहाँ पर आप देख पाएंगे, और इसे हमें हमेशा ऑन पर रखना है। क्योंकि ये बटन क्या काम करता है, अचानक इनपुट का जो पावर है, एग्जाम्पल किसी सॉन्ग में बहुत ज़्यादा बेस होता है, या फिर किसी एक सॉन्ग का बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, या फिर किसी सॉन्ग का बहुत कम होता है, ऐसा हम जनरली देखते हैं। लेकिन जब ऐसा किसी सॉन्ग का साउंड ज़्यादा हो, और इतना ज़्यादा हो कि हमारे स्पीकर जल सकते हो, उससे बचने के लिए हमें ये लिमिटर हमेशा ऑन रखना है। ये हमारे स्पीकर को बचाता है। लेकिन अगर आप अपने एम्पलीफायर पर ओवरलोड चला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वाटेज के स्पीकर लगाए हैं आपने, जितना उस एम्पलीफायर का पावर नहीं है, तो आप ज़रूर लिमिटर को ऑफ करके रखें ताकि आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगा। अब दो नंबर पर बटन है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के बारे में हमने स्पेशली एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। वैसे लिमिटर के बारे में भी है, उसे भी आप चेक करके देख लीजिए। सेंसिटिविटी आपको मैक्सिमम रखनी है, ताकि सेंसिटिविटी होता क्या है, तो इनपुट का प्रेशर कम या ज़्यादा करने के लिए वो स्विच हमें दिया जाता है। तो सेंसिटिविटी हमें 0.775 पर रखनी है, क्योंकि वहाँ पर हमें मैक्सिमम पावरफुल आउटपुट मिलता है। जो यहाँ पर मैंने 0.775 पर अपना स्विच रखा हुआ है, ये आप देख पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन मोड की, तीन नंबर का बटन। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल रखा हुआ है। अब पैरेलल रखने का मतलब क्या है, कि मैं सिर्फ ए चैनल में इनपुट लगाऊंगा और दोनों चैनल पर इनपुट हो जाएगा, सिर्फ एक चैनल पर इनपुट देने से। तो एक केबल की झंझट से बचने के लिए मैंने ये पैरेलल पर लगाया है। आप इसे स्टेरियो पर लगा के दोनों चैनल के लिए सेपरेट इनपुट लगा सकते हैं। साथ ही स्टेरियो पर लगाकर आप एक चैनल पर बेस और एक पर टॉप भी चला सकते हो। और जो तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन मोड में, इस साइड में ब्रिज करके, तो ये एम्पलीफायर ब्रिज करके आप इस पर 4 ओम तक लोड डाल सकते हो। यानी ब्रिज करने के बाद आप सिर्फ 2 स्पीकर लगा पाओगे, लेकिन वो स्पीकर 2500 के अराउंड वैटेज के होंगे तो भी चलेंगे। इसके बाद बटन है फिल्टर का, यानी ये एक क्रॉसओवर है। तो इसे हम कैसे सेट करें, तो ये जनरली हम सबको पता ही है कि यहाँ पर हम इसे बाईपास पर लगा चुके हैं, क्योंकि हम फिलहाल इस एम्पलीफायर पर टॉप चलाते हैं। अगर आप बेस चलाना चाहते हैं तो आपको ये लो पास पर लगाना है, इस साइड में आप देख पाएंगे। और यहाँ पर हमें और एक ऑप्शन मिलता है, अगर हम फुल रेंज स्पीकर यूज़ करते हैं तो इसे हम HF पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम फुल रेंज स्पीकर चला सकेंगे काफ़ी अच्छे से। इसके बाद बटन आता है लॉ कट 30 हर्ट्स। यानी इससे क्या होता है, 30 हर्ट्स के अंदर की जो लॉ फ्रिक्वेंसी है वो कट हो जाती है। तो इस बटन को हमें हमेशा ऑन रखना है। तो क्यों रखना है, ये पहले समझ लीजिए। किसी भी कंपनी का आप स्पीकर लीजिए, ब्रांड से ब्रांड RCF लीजिए, JBL लीजिए, वो स्पीकर, बेस का स्पीकर 35 फ्रिक्वेंसीज के बाद के फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करता है, उसके पहले की फ्रिक्वेंसी सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके पहले की फ्रिक्वेंसी अगर किसी गाने में रिकॉर्ड है तो इस बटन से वो कट हो जाती है, इसे ऑन रखने से। क्योंकि इसे ऑन रखने पर वो फ्रिक्वेंसी उस स्पीकर तक जाएगी नहीं, और अगर जाती है, हम बाय चांस इसे ऑफ रखते हैं तो स्पीकर के आवाज़ में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत या खराबी आएगी। तो अच्छा है कि हम इसे हमेशा ऑन पर रखें। अब लास्ट में बटन है ग्राउंड का, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ग्राउंड बटन के बारे में ध्यान रखें कि अगर आप पूरी तरह XLR इनपुट यूज़ करते हैं इन आउट के लिए, सारे पिंस आपके XLR में है, तो ही आप इस बटन को ऑन रखें, नहीं तो इसे ऑफ करके रखें। क्योंकि अगर आप लाइव सेटअप चलाते हैं तो आप सारे XLR कनेक्शन यूज़ करें इनपुट आउट के लिए,
और इससे क्या होता है, ग्राउंड ऑन रखने से आपके एम्पलीफायर में हमिंग की जो दिक्कत है या फिर कमज़ोर इनपुट किसी एम्पलीफायर को मिलने की जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। खास करके डीजे में इसे ऑन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम पूरी तरह XLR इनपुट आउटपुट यूज़ नहीं करते हैं, कुछ हमारे जैक्स पिंस है इसलिए हमने इसे ऑफ करके रखा है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसे ऑन पर रख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो इस तरह से ये पूरे सेटिंग मैंने आपको बता दी बैक पैनल की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ ही अगला वीडियो किस विषय पर हो इस बारे में भी कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।